बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सब के? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और वीडियो का स्टार्ट करते हैं वहाँ से जहाँ से हमने अपनी पिछली वीडियो छोड़ी थी। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि मैं जो है वो सुबह के सब काम समेट कर सो गई थी। अभी तकरीबन 12:10 का टाइम हो रहा है और मैं उठ गई हूँ नैप लेके, और अभी मुझे जोहर की नमाज़ की जो है वो तैयारी करनी है, बच्चों के आने से पहले के सब काम मुझे अपने वाइंड अप करने हैं। तो अब चलते हैं, अब बेड में अपना सेट करूँगी और उसके बाद जो है एसी को बंद कर देते हैं और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं काम। मुझे बच्चों के आने से जो पहले के समेटने वाले काम मैंने आपको बताया था कि मैंने लॉन्ड्री भी वैसे ही छोड़ दी थी कि मैं जब सोकर उठूँगी तो तब मैं उसको समेटूँगी, और उसके अलावा जो है मुझे किचन को थोड़ा समेटना है और कुछ मुझे अपनी जो मुझे सालन वगैरह बनाने हैं वो काम करने हैं। तो और नमाज़ वगैरह पढ़ कर जब मैं फारिग हो जाऊँगी उसके बाद फिर मुझे शावर भी लेना है। तो बस बेड मेरा हो चुका है सेट, अब मैं चलती हूँ लॉन्ड्री समेटने के लिए। आप करें चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। तो फिर हम देखते हैं कि उसके बाद मैंने क्या क्या काम किए। अच्छा, यहाँ पर जो है बच्चों के यूनिफॉर्म तो ऑलमोस्ट आज कल जो है वो डेली ही धुलते हैं, क्योंकि दोनों ही यूनिफॉर्म जो है वो ख़ास तौर पे जो इनकी शर्ट्स होती हैं या जो नीचे टाइट्स और ट्राउज़र्स होते हैं वो काफ़ी गंदे कर आती हैं, तो इसलिए फिर मुझे ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे इनको वॉश करना होता है। साथ में जो इनके डेली रूटीन के कपड़े होते हैं या जो मेरे और हस्बैंड के डेली के कपड़े होते हैं और हस्बैंड के ऑफिस के कपड़े हो गए, वो भी डेली तो नहीं चेंज होते, बट ये कि 2 दिन के बाद हस्बैंड का यूनिफॉर्म वॉश करना होता है, और मेरे तो ऑलमोस्ट डेली ही कपड़े जो है वो वॉश होकर जो है वो मुझे समेटने होते हैं। तो अभी मैंने इनके पहनाने के कपड़े जो हैं वो निकाल कर रख दिए हैं बाहर, और यहाँ पर जो है अब मैं इनके जो टॉयज वाला सेक्शन है इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी। उसके बाद जो है मैं चली जाऊँगी अपने कमरे में, क्योंकि मुझे वहाँ पर भी कुछ लॉन्ड्री समेटनी है, अपने कपड़े और हस्बैंड के समेटूँगी और अपने जो पहनने के लिए हैं कपड़े अब वो मैं निकाल लूँगी, और इसके बाद मैं शावर ले लूँगी। उसके बाद शावर लेने के बाद मैंने एक जो है वो लैपटॉप का थोड़ा काम करना था, कुछ वीडियोस जो मैंने सोने से पहले एडिट की थी उनको मुझे अपलोडिंग पे लगाना है, तो मैं उनको अपलोडिंग पे लगा कर उसके बाद फिर मैं, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है अपलोडिंग पे, कम अज़ कम भी 12 से 15 मिनट की एक वीडियो होती है, तो उसको अच्छा खासा टाइम जो है वो चाहिए होता है अपलोड होने के लिए। तो मैंने सोचा कि नमाज़ पढ़ने से पहले जो है वो मैं इनको लगा देती हूँ अपलोड पे और फिर मैं आराम से नमाज़ पढ़ूँगी। जितनी देर में मैं नमाज़ पढ़ कर फ्री हुई थी मुझे जो है वो कॉल आ गई बच्चों को कि आके रिसीव करने नीचे से, तो अभी मैं नीचे जा रही हूँ इनको ड्रॉप करने भी मैं गाड़ी में खुद जाती हूँ और फिर लेने के लिए भी नीचे से जाती हूँ, क्योंकि हरीम का भी काफ़ी हैवी बैग होता है और हरम का भी बैग होता है, तो फिर इतना सब कुछ वो अकेले जो है ना वो नहीं निकाल पाती, और ऊपर लाना सीढ़ियों के कुछ स्टेप्स जो है वो चढ़ने होते हैं, और दूसरा अकेले इनको लिफ्ट में जो है ना अभी मैं बिल्कुल भी फ्री हैंड नहीं देती कि ये अपने आप ही लिफ्ट में आए जाएं। तो माशाल्लाह से दोनों आ चुकी हैं घर और इनकी गप्पें शुरू हो चुकी हैं, स्टोरी सुना रही हैं दोनों बारी बारी मुझे अपनी, और जो शेक मैंने इनको देकर भेजा था वो थोड़ा सा लेफ्ट ओवर वैसे ही उठा कर लेके गाड़ी में छोड़ दी, और आते हुए वो ट्रैश करने के लिए ले आई थी कि मामा बस हमने इतना सा छोड़ा है बाकी सारा हमने ख़त्म कर दिया। इनके बैग्स मैंने रख दिए हैं इनके रूम में, और अब इनके लंच बॉक्स के बैग भी मैं जो है वो खाली कर चेक करूँगी कौन क्या ख़त्म करके आया है, क्योंकि जब ये आती हैं तो इतनी थकी होती हैं कि हर चीज़ कोई कहीं फेंक देती हैं, कोई कहीं फेंक देती हैं, और यहाँ पर हरम अपना लंच फिनिश नहीं करके आई थी तो वो अपना सैंडविच लेकर बैठ के ये ख़त्म करेगी, उसके बाद मैं इनको भेज दिया वॉशरूम में ताकि ये शावर ले लें। अब मीनवाइल मैं क्या करूँगी, इनके जो कपड़े हैं लॉन्ड्री का लोड लगा दूँगी और इनके जो लंच बॉक्सेज एंड वाटर बॉटल वगैरह सब वॉश कर लूँगी, इनके बैग्स क्लीन करके जो है इनको मैं रख लूँगी ताकि सुबह जब मुझे इनका दोबारा लंच पैक करना पड़े तो मेरा इतना ज़्यादा काम ना बढ़े। तो अभी इनके लंच बॉक्सेज को मैं वॉश करूँगी, उसके बाद फिर सुबह तक अच्छे से कि ड्राई हो जाते हैं, तो बंद नहीं मैं करके छोड़ती इनको, वरना क्या होता है जब आप लंच बॉक्सेज को गीला ही बंद करके रख देते हैं तो उसके अंदर से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए फिर मैं इनको ऐसे ही वॉश करके बास्केट में रख कर छोड़ देती हूँ, और सुबह जब अगेन मुझे इनका लंच पैक करना होता है
तो बस उस टाइम अच्छे से ड्राई हुए होते हैं निकाले और बस लंच बनाकर पैक कर दिया। अच्छा, टाइम आप देख सकते हैं इस वक्त जो है वो मैं 1:45 का टाइम हो रहा है, क्योंकि आज थोड़ा जल्दी आ गई थी घर। तो मैंने जो सुबह के और रात के बर्तन जितने भी वॉश किए थे वो अच्छे से ड्राई हो चुके हैं, तो मैं इनको भी फटाफट समेट लूँगी। और इस टाइम तक जो है ना हरम को रोज़ नींद आ रही होती है, तो वो सो जाती है, मतलब कपड़े वगैरह चेंज करती है, शावर लेके उसके बाद जो उसको थोड़ा बहुत खाना पीना होता है वो खाती है और सो जाती है। तो इस टाइम तक वो सो चुकी थी और मैंने सब अपना किचन समेट लिया है, और यहाँ पर मैं एक इनका जो लॉन्ड्री का डेली का लोड होता है अब वो लगा दूँगी। तो फिर ऐसा, क्योंकि कुछ कपड़े तो स्पिन हो जाते हैं, बट जिन कपड़ों को मुझे नील देना होता है वो फिर जल्दी ड्राई नहीं होते, तो फिर वो मुझे सुबह ही उठकर जो है वो वॉश करने पड़ते हैं। कुछ देर मैंने रेस्ट किया क्योंकि मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा भागम भाग में, और फिर मैंने जो है ना अब मैं आ गई हूँ दोबारा किचन में। मुझे बनाना था यहाँ पर सालन, और सालन जो है वो मैं आज बना रही हूँ आलू और अंडे का। तो सबसे पहले मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है, ये ग्रेवी की तरह से बनता है और बहुत मज़े का बनता है, आप लाजमी बना कर ट्राई करिएगा। मैंने जो है आलू 3 मीडियम साइज़ के लिए थे, उनको क्यूब्स में बड़े बड़े चंक्स में कट किया है, उसमें थोड़ा सा नमक डाल कर इसको मैं फ्राई कर लूँगी गोल्डन सा कलर आने तक। और साथ ही मैं जो है मैंने चाय भी जो है वो रखी हुई है चाय पीने के लिए, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड है वो भी आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि सास के साथ मैं सालन किया काम भी ख़त्म कर लेती हूँ और साथ के साथ जो है वो चाय पीते हैं। तो मेरे पास कुछ थोड़े से ही कोफ्ते पड़े हुए थे, ज़्यादा नहीं थे, बस 6 ही कोफ्ते पड़े थे, तो मैंने सोचा कि इनको भी साथ ही मैं डाल देती हूँ, क्योंकि हरीम और हरम को दोनों को कोफ्ते बहुत पसंद हैं, और उन दोनों की ही जिद्दी के खाली जो है ना वो आलू और अंडे नहीं बनाने बट कोफ्ते बनाने हैं। बट ये यहाँ पर थोड़ा स्ट्रिक कर रहे थे क्योंकि मैंने बहुत शायद गर्म ऑयल था जिसमें मैंने आलू को फ्राई किया था, तो उसमें मैंने फ़ौरन से डाल दिए तो थोड़ा स्टिक कर गए थे, बट उसका जो फ्लेवर है ना वो ग्रेवी में आ गया, तो वो ग्रेवी भी काफ़ी मज़े की हो गई थी। अभी जो है मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी, भुनाई करके इनको भी अलग से निकाल देंगे, और फिर उसके बाद इसी जो ऑयल के अंदर हम प्याज जो है वो डाल देंगे और उनको हम करेंगे फ्राई। बाद में प्याज जब फ्राई हो जाएंगे गोल्डन कलर तक, फिर उनको मैं निकाल लूँगी, और साथ में टमाटर जितने भी आपको ऐड करने हो और सब्ज़ मिर्च और ये सब डालकर इसको अच्छे से ब्लेंड करके इसकी एक प्यूरी सी तैयार कर लेंगे, क्योंकि हमें ग्रेवी की फॉर्म में बनाना है, तो ग्रेवी में हर चीज़ वेल ब्लेंड होनी चाहिए। अगर वेल ब्लेंड नहीं होगी तो फिर वो ग्रेवी नहीं लगेगी, तो वो फिर मसाला ही लगेगा। साथ में मैंने एग्स जो हैं उनको भी बॉयल होने के लिए रख दिया था, क्योंकि उन एग्स को भी मुझे ग्रेवी में भूनना है। अभी मैंने प्याज निकाल कर ब्लेंडर के जग में डाल दिया थे, उसी ऑयल के अंदर मैंने डाल दिया लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसके बाद हम इसके अंदर जो हमने ग्रेवी जो प्याज टमाटर सब्ज़ मिर्च को ग्राइंड किया था वो डाल देंगे। साथ ही मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है, हल्दी डाल दी है, और इसके अलावा हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, इसको अच्छे से साथ में जीरा पाउडर और धनिया पाउडर भी एक एक चाय का चम्मच मैंने डाल दिया था। इसको मसाले को अच्छे से भून लेंगे ताकि जो ग्रेवी वो अच्छे से कुक हो जाए, और फिर साथ ही मैंने इसमें जो फ्राई हमारे आलू हैं और फ्राई किए हुए कोफ्ते थे वो सब भी डाल दिया है। इसको हल्का सा कुक करेंगे, और फिर जो एग्स हैं बॉयल किए हुए उनको भी मैं पील ऑफ करके इसके अंदर डालकर उनको भी अच्छे से भून लेंगे। एक दफ़ा इसको अच्छे से इसमें डिप करके थोड़ी देर के लिए मैं ढक्कन लगा कर रख दूँगी ताकि आलू भी गल जाएँ, और जो स्पाइसेस का फ्लेवर है वो थोड़ा बहुत हमारे एग्स के अंदर और आलूओं के अंदर भी ऐड हो जाए, आलू बिल्कुल भी फीके फीके ना लगे। उसके बाद अगेन अब इसकी भुनाई कर लेंगे, इतनी भुनाई करनी है कि जो ऑयल है वो अच्छे से सेपरेट हो जाए और हमारा सालन जो है वो भुनाई के बाद डन हो जाएगा। तो हम इसमें पानी डाल देंगे, पानी डालकर मैं इसको हल्की आँच पर जो है ना वो कुक होने के लिए छोड़ दूँगी, और मीनवाइल फिर चलेंगे हरम के पास, क्योंकि अब हरम को होमवर्क करवाना है। हरम जो है ना अगर तो इसकी नीयत हो तो ये बहुत अच्छा काम कर लेती है, बट अगर नीयत नहीं है और इसका दिल नहीं चाह रहा तो फिर इसको काम करवाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो ये सो जाती है, जब सो कर उठती है तो फिर ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो लेज़ी फील कर रही होती है। तो अभी मैं इसको 1 और 3 तो ये बिना ट्रेसिंग के भी लिख लेती है, बट 2 लिखने में आजकल इसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो 2 लिखते लिखते भी उसका 3 बना कर रख देती है। तो अभी जो है मैं आपको इसकी गप्पे सुनवाती हूँ कि ये क्या कह रही है। एक इधर भी 3 लिखो, अगेन हेयर हेयर 2 के साथ, 2 के साथ ऊपर। अच्छा यहाँ राइट डाउन 1, पहले 1 तो लिखे ना, इधर नहीं, यहाँ यहाँ
was first. अब तू लिखो. अच्छा क्या बनाया है? कलर बाय नंबर. अच्छा सालन जो है वो हमारा बनकर तैयार हो चुका है. अभी हम लोग करेंगे डिनर. हस्बैंड जो है वो वापसी पर रोटियां बाज़ार से लेकर आ गए थे और सालन मेरा ऑलरेडी डन हो चुका था. बच्चों का होमवर्क ख़त्म हो चुका है और बस मेरे आज के करने के काम ख़त्म. अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला. तब तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल. वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको थम्स अप दे दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना. फिर मिलेंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़.